नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 48 के आसपास है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में, जब मैंने ये अंगूठा देखा तो मैंने इनको सामने से पूछा कि कोई बड़े अधिकारी हो क्या आप, तो इन्होंने बताया कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अब लोग एक्चुअल में कहना गलत है पर ये सच्चाई है कि लोग पुलिस से डरते हैं, पर इनके जीवन में ऐसा किस्सा है कि ये पाम कोई आर्थिक कष्ट के कारण नहीं आया, ये कोई पारिवारिक मामला है और इनको डर लग रहा है कि इन पर केस हो जाएगा और जेल हो जाएगी। अब वो क्यों ऐसा लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा और इस तरह की प्रॉब्लम में ये क्यों फंसे उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और क्लियर कट दिख रहा है, कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, टेम्परेरी फेस है, कोई ऐसा मेजर इनके हाथ में रुकावट नहीं है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक टेम्परेरी फेस है। पर पारिवारिक समस्या क्यों क्रिएट हुई और इस तरह का डर क्यों लगा, जो लोग डरते पर आप क्यों डरने लगे उसके पर भी मैं आऊँगा। इस पाम को देखें तो यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई कम है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में व्यापार करते। अंगूठा इतना अगर स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है और कहीं ना कहीं सफलता दिलाता ही है ये अंगूठा। पर फर्स्ट फैलेंज बड़ा होने के बावजूद भी नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। और सेकंड चीज, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर, ऐसे लोग लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात करने में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और जवानी में और बचपन में अच्छा खासा समय इनका लॉजिक के साथ डिस्कस करने में जाता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है। पर आज भी अगर इनको कोई मित्र मिल जाए तो उसके साथ इतनी लॉजिक की बात करेंगे, इनको आनंद आता है, सौ बात की एक बात। और स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है, पर ये इतना मांसल भी नहीं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगा इनका। हाँ, इनके पास बेटा बनकर जितना चाहे मांग लो, पर बाप बनकर एक रुपया भी नहीं ले पाओगे, इस तरह का व्यक्तित्व होता है इनका। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो ऐसे लोगों में धार्मिक भावना होती है, उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, प्लस फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है, जीवन जीता है, सूर्य की उंगली बड़ी होती है, जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते हैं। और छोटी उंगली भी व्यक्ति के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। अब ये कौन सी ग्रेड के पुलिस डिपार्टमेंट में, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की और ना ही मुझे जानने की इच्छा है। ये जब उंगली आपकी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है और जिस व्यक्ति का अंगूठा इतना स्ट्रांग हो, तो ऐसे लोगों को बेसिक सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होती है। और ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब ये जो हाथ का कलर है, मैंने कम से कम बहुत सारे फोटोग्राफ इनसे ट्राई करवाए, हर फोटोग्राफ में इसी तरह का कलर आ रहा था। ये व्यक्ति को जैसे कहते ना, एक खालीपन देता है, यानी नशे की तरफ व्यक्ति को ध्यान जाता है और इनको ना सुनने की आदत नहीं होती, यानी अगर इनको ना मिले तो गुस्सा आता है और कहीं ना कहीं नशे की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता है, तो ये चीजें दिख रही है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं, ये इनका क्लोजअप है, ये जब आपकी रिलेशन लाइन एक नैसर्गिक रूप से जब टर्न लेती है, यहाँ पर छोटा सा हल्का सा ऐसा नीचे की तरफ हल्की सी, मैं ये नहीं कहता हूँ डोमिनेंट माइंड की होते, पर एक हल्का सा नीचे होता है, तो ऐसे लोगों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो अट्रैक्टिव मिलता है। मैं सुंदर इसके लिए शब्द यूज़ नहीं करता, क्योंकि सुंदरता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, तो एक एट्रैक्टिव एक ऐसा शब्द है जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है, तो ये एक खासियत इनमें पाई जाती है। एक ये चीज़ हो गई, यहाँ पर इतनी अच्छी बुध रेखा चल रही है, बड़ी लाइन, तो ऐसे लोग बुढ़ापे में सुख शांति से रहते हैं और बुढ़ापे तक
संपत्ति जमा कर लेते हैं, ये भी इनमें खासियत पाई जाती है। सूर्य पर्वत पर ऐसी कोई स्ट्रांग लाइन नहीं है कि जिसका मैं डिस्कस करूं। हाँ, हो सकता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो छोटी सी कोई फिश साइन हो, पर इस फोटोग्राफ में शो नहीं हो रही है। और इस लेवल के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करना भी मैं पसंद नहीं करता, तो मैंने ज़्यादा केयर नहीं किया। और स्ट्रांग फेट सूर्य रेखा नहीं होने के कारण बेसिक सफलता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है, और एक लाइन सूर्य पर्वत से निकलकर जुपिटर की ओर जा रही है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े व्यक्ति संपर्क में आते हैं, और इस रेखा ने भी इनको सरकारी ओहदा दिलाया हुआ है। कई सरकारी व्यक्तियों के हाथ में मैंने इस तरह की रेखा भी पाई है। सबकी लाइनें जुपिटर की ओर नहीं जाती, धन रेखा। बहुत बार इस तरह की रेखा भी मैंने कल या परसों थोड़ी देर के लिए डिलीट करना पड़ा था मुझे वीडियो, सचिव का पाम था, उनके पाम में भी कोई जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा नहीं थी, केवल ये रेखा थी। तो ये भी रेखा कभी कभी सरकारी पर बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में तो जरूर आते, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े लोग संपर्क में आते। एक अच्छी सी साइन यहाँ पर है, विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा उन्नति भी करता है और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। यहाँ पर देखें तो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, तो कोई ना कोई पूछते नहीं, जमीन जायदाद मिलने के चांसेस भी है, और बुढ़ापे में बहुत सारी रेखाएं चल रही है, और लगभग उसमें से एकाध रेखा अगर इस फोटोग्राफ को हम माने तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सूर्य पर्वत की ओर भी देख रही है। तो हो ना हो कोई ना कोई संतान, एक ये इंडिकेशन है, एक यहाँ पर फिश साइन बन रही है, ये जब यहाँ पर बनती है तो ऐसे लोगों के संतान विदेश में पढ़ने जाते हैं और फिर वहाँ ही रह जाते हैं, और फिर बुढ़ापे में इनका विदेश में आना जाना होता है, और साथ में चंद्र पर्वत में भी दम है। तो कहीं ना कहीं नो डाउट इन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि IAS बनने की और कोशिश है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई संतान इनका विदेश में सेटल होगा। ये संकेत काफ़ी क्लियर है, और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो धन के मामले में तो ये हमेशा कंफर्टेबल रहने वाले हैं, हमेशा इनकम बनी रहेगी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनको मिला हुआ है, और बहुत जगह से पैसा आएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। अब ये जुपिटर माउंट देखिए, ये जुपिटर माउंट यहाँ अलग कहानी बता रहा है। ये सांसारिक सुख की लाइन है, यानी इनको जो जिनसे मैरिज होती है वो काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाली लाइन है, ये एक शो कर रही है। पर यहाँ पर देखें तो इनका जुपिटर माउंट जिस तरह का डिस्टर्ब है, ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं शो करता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और इसी जुपिटर माउंट के कारण मैं जब उस रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा, ये पारिवारिक समस्याएँ देती है और सांसारिक समस्याएँ देती है, पर सांसारिक समस्याओं में तभी छुटकारा मिलता है जब आपको बचपन में एक बार जोर से सर पे लगाओ, यानी कोई छोटा सा क्रॉस हो हमारे हाथ में कहीं पर भी जुपिटर माउंट पर, और बचपन में जोर से एक बार सर पर लगाओ जो अभी तक याद हो, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहने का प्रॉब्लम रहता हो, तो ऐसे लोगों को सांसारिक सुखों में कोई कमी नहीं होती, भरपूर मिलता है, पर पारिवारिक समस्याएं जीवन भर भुगतनी पड़ती है। और मैंने इस पर एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, कि ऐसे लोगों के हजारों करोड़ों रुपए परिवार में खर्च हो जाते हैं, और एंड में सुनने में आता है कि ये तो आपका फर्ज था, आपने हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा थोड़ी किया। तो ये एक कंडीशन इनके हाथ में मुझे शो हो रही है, और ये पारिवारिक समस्याओं से ही अभी त्रस्त है, इनके ऊपर जो चल रहा है वो इसी कारण से है। अब देखिए ये एकदम पठार की तरह फ्लैट मंगल है। मैं कई बार कहता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन, अब पुलिस डिपार्टमेंट भी शारीरिक रूप से सज्जता वाला है, ये इस तरफ इशारा जाता है। ऐसे लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जवानी में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। मंगल आपका फ्लैट होता है, ये अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं, पर अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए एक भी मंगल रेखा नहीं चाहिए। मंगल रेखाएं होती है तो फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं मिलती।
और प्लेन हो तो चांसेस काफी अच्छे खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति खिलाड़ी बनता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। बारी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे। ये रियल में मुझसे भी जो मिले इतने ऊर्जा से मिले हैं, ट्रिमेंडस। और ये मंगल बहुत हिम्मती भी होते हैं। ऐसे लोगों को बजी जंपिंग या पैराग्लाइडिंग करने जाए तो ये दो बार भी सोचेंगे नहीं, तुरंत कूद जाएंगे। इनको डर नहीं लगता। सेकंड, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते हैं। ये भी इनमें खासियत होती है। इनका चंद्र पर्वत मैंने जैसे ही पहले बताया, अच्छे परचेसर होते हैं, विदेश से संबंध आता ही है। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी इनका कोई विदेश से संबंध नहीं है, कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति जाएगा जरूर। सेकंड, ये लोगों जब पैसा कमाते तो घर के फर्नीचर, यानी परचेस पावर बहुत पावरफुल होता है इनका। सौ बात की बात, घर के फर्नीचर अच्छा बनाते ये लोग। रिफाइंड सोच होती है, नया नया चीज करने का शौक होता है। तो ये सारा एडवांटेज इनको मिलता है। अब इनकी जो फेट लाइन है वो एक्चुअल में चल रही है यहाँ से, जीवन रेखा के आसपास से, और एक यहाँ से बुध रेखा निकल कर इस तरफ जा रही है, और एक मनी ट्रायंगल भी अधूरा बन रहा पर ग्रेटर ट्रायंगल काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो ऐसे लोग धीरे धीरे इतनी सुख संपत्ति जमा कर लेते कि बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस पाम में भी देखिए कलर, इनको ना सुनने की आदत नहीं होती, और किसी ने ना बोल दिया तो गुस्सा आ जाता है। और सेकेंड चीज रहती है, कहीं ना कहीं नशे की तरफ इनका ध्यान जाता है। यहाँ पर लग्जरी लाइन है, ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ मिलती है, और शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता, अच्छी तरह से रहता, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखता है, पैसा कमाने का शौक होता है और खर्चने का भी शौक होता है। तो ये सारा एडवांटेज इनको मिला हुआ है। अब इनकी जो हृदय रेखा है वो दो पार्टों में चल रही है, एक तो चली जुपिटर से निकली और यहाँ चली, और एक यहाँ से इनकी उम्र लगभग 32-33 के आसपास से दूसरी हृदय रेखा शुरू हुई और ये सीधी चल रही है। और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। जब ये रेखा शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होंगे, बहुत ज़्यादा, पर 32-33 के आसपास इनका माइंड चेंज हुआ होगा और ये कमर्शियल थिंकिंग ज़्यादा बनाई होगी, यानी सुबह उठते ही पैसा सूझता होगा इनको। सेकेंड चीज, कामुक भावना, और तीसरी चीज कभी कभी फिजिकल बनते, यानी हाथ पैर उठाते। अब ये डिपार्टमेंट में हाथ पैर उठाना एक कॉमन सी चीज है। तो ये लाइन का ये मतलब है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा आदर्शवादी रहे होंगे और बाद में कंप्लीट कमर्शियल माइंड बन गया होगा। बाकी कोई माइनस पॉइंट हृदय रेखा में नहीं है। अब इनकी माइंड लाइन को भी देखें तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है। अंदरूनी मंगल से निकलने वाले व्यक्ति की प्लानिंग ज़्यादा बनाता है, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और अच्छी खासी ये रेखा चलकर बुध पर्वत की ओर देख रही है, तो काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है। ज्ञानी पुरुष होते, यानी 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते। और बुध की तरफ जब रेखा देखती है तो इन लोगों में कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है जो पैसा खींच कर लाती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और अपने बुद्धि के बल पर अच्छा खासा विकास करते हैं। अब जो जीवन रेखा पर मुझे इनके दिख रहा है वो मैं सारा पॉइंट शो आउट करता हूँ। एक 28 के आसपास ऑफशूट दिख रहा है, यहाँ पर इनको सफलता मिली होगी, और इसी के आसपास एक नीचे की तरफ लाइन जा रही है, तो कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी एक आध साल के अंदर। उसके बाद 31 में एक ऑफशूट दिख रहा है, उसके बाद 35 में एक राहु रेखा दिख रही है, यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आई होगी। एक 37 में ऑफशूट दिख रहा है, एक 40 के आसपास ऑफशूट दिख रहा है, इसने भी कोई ना कोई बेनिफिट दिलाई होगी। एक 42 के आसपास राहु रेखा दिख रही है, इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में। एक 44 में
राहु रेखा दिख रही है, यहाँ पर भी इनको कोई ना कोई रुकावट आई होगी, और एक छोटा सा ऑफशूट 45 के आसपास दिख रहा है, और ये 48 के आसपास जो अभी तकलीफ उठा रहे वो ये छोटी सी राहु रेखा है। ये हार्डली इनका मैक्सिमम 4 से 6 महीना इनको परेशान करेगी, मिनिमम 4 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ। हाँ, इनके पैसे खर्च होंगे, क्योंकि राहु रेखा व्यक्ति को पैसा खर्च करवाती है। तो ये राहु रेखा, अब ये आग में घी कैसा काम हुआ, ये राहु रेखा आई और यहाँ पर इनका जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है, तो पारिवारिक समस्याओं के कारण इस राहु रेखा ने इनको डर पैदा किया। और ये जब राहु रेखा काटती है तो 2-3 चीज़ें होती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जीवन में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, डर लगता है जीवन के प्रति, तो ये सर पे वार करती है, रातों की नींद उड़ जाती है, अगर नींद आ गई तो आँख खुल गई तो जल्दी आएगी नहीं। सेकेंड, जब जल्दी आएगी नहीं नींद, और बहुत कष्ट के बाद नींद आती है और नेगेटिव फीलिंग आती रहती है, डर लगता है कि क्या होगा। और ये जैसे ही ये रेखा का पीरियड पूरा होगा उसके बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है, इनको कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, 4 महीना आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, और ये नेगेटिव फीलिंग देगी देगी और देगी। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने और एक रिसर्च किया है कि राहु रेखा जब समर होता है, मई अप्रैल मई जून, उस समय ज़्यादा असर देती है, यानी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग देती है। ये भी एक रिसर्च एक सब्सक्राइबर ने किया है, जो मैंने एक रिसर्च किया था कि फॉरेन के अंदर जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर इसका असर कम होता है, तो वैसा ही इस राहु रेखा का समर में असर ज़्यादा होता है। ये बहुत छोटी राहु रेखा है, कोई ज़्यादा बड़ी राहु रेखा नहीं है, तो ज़्यादा चिंता तो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हाँ, आपको ये जो पारिवारिक समस्या रहती है इसका मैं आपको इलाज दे दूँगा, बहुत आसान इलाज है, और ये इसके बारे में मैंने डिस्कस कर ही चुका हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई संतान विदेश में जाएगा और बुढ़ापे में आना जाना लगा रहेगा आपका। अब इनकी फेट लाइन जीवन रेखा से ही निकल रही है, तो खुद की मेहनत से व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, अब नेचुरल है, पुलिस डिपार्टमेंट में किसी की हेल्प से तो कोई जाता नहीं। एक कट उम्र लगभग 28 के आसपास लगा होगा, इनको कोई ना कोई खर्च आया होगा, एक 29 के आसपास, एक 31 के आसपास, और यहाँ से एक रेखा निकली ऐसे, और यहाँ पर स्टॉप हो गई आगे, ये 38 के आसपास स्टॉप हो गई, और यहाँ पर थोड़ी सी सूजन भरी भी है, 2 साल इस रेखा में खराब भी गए होंगे। एक रेखा इनकी यहाँ से निकली और ये सीधी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। अब मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति का पाम आया था जिनके हाथ में इस तरह की रेखा थी, तो उनको, वो भी सरकारी जॉब में ही थे, तो उनको ऊपर की इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, यानी सेवा वाली इनकम, तो ये सेवा वाली लाइन है, ये सेवा वाली इनकम की लाइन है, और इसको देखे तो ये 36 से लेकर यहाँ तक ये दमदार नहीं थी, 43 तक ये दमदार नहीं थी, यहाँ कहीं ना कहीं इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा इस सेवा वाली इनकम में, और एक 42 में कट भी लगा, और 42-44 के आसपास से ये थोड़ी सी मजबूत बनी, और ये यहाँ तक काफ़ी मजबूत है, यानी उम्र के 52 साल तक ये मजबूत है, ये यहाँ पर इनकम काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, और 60 तक ये कमज़ोर है, बीच बीच में स्ट्रांगनेस आएगी तो 1-2 साल अच्छे भी जाएंगे, और उसके बाद वापस अच्छी है। एक लाइन आपके जीवन में 36 से जो चालू हुई वो अप टू यहाँ तक आपके जीवन में इतनी दमदार नहीं थी, ये भी 43 तक दमदार नहीं थी, तो बीच का जो 36 से लेके 42-43 तक का समय होगा वो इतना प्रोग्रेसिव समय नहीं रहा होगा आपके जीवन में। और इनसे मेरी बात भी हुई, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि ये रियलिटी थी इनके जीवन में, और ये 48 में एक कट भी लग रहा है, तो ये रेखा ने कोई ना कोई खर्च भी कराएगा, क्योंकि ये रेखा ने काटा है यहाँ पर, तो इनके जेब से पैसे भी खर्च होने वाले,
और उसके बाद बहुत अच्छी रेखा चल रही है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी इनके जीवन में, और एक और और एक और, तो बुढ़ापे में कई जगह से पैसा इनके जीवन में आने वाला है। तो कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो राहु रेखा का पीरियड जैसे ही पूरा होगा, 4 से 6 महीना आपको परेशानी रहेगी, उसके बाद रिलैक्स, आप बेफिक्र से सो जाइए, कहीं पर भी कोई चिंता का सब्जेक्ट नहीं। हाँ, ये पारिवारिक समस्या आपको रहेगी, इसका मैं उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।